Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, हम अपने उस पुराने सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आपके हायर एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ 18 से 20 स्कीम्स कवर कर चुके हैं. सो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जो एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है फॉर योर यूजीसी नेट दिसंबर 2019 एग्जाम. तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ, फाइनली ये थर्ड पार्ट है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिसमें हम कुछ 8-10 स्कीम्स दोबारा कवर करेंगे. ये 8-10 स्कीम्स दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप उसको ठीक से समझिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपको याद करनी है वो भी आप जरूर ध्यान से याद करें. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो आज जो 19 स्कीम हम जो याद करने वाले हैं वो है नवोदय विद्यालय स्कीम. नवोदय विद्यालय एक टाइप का रेसिडेंशियल स्कूल है जिसका एम यह है कि आपको गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फ्रॉम क्लासेस 6 टू क्लास 8. सो बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां पे लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत ही कम पैसे पे बहुत ही रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, जिनकी विदाउट एनी रिगार्ड टू एनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की क्या वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं या वो अच्छी कंडीशन से बिलोंग करते हैं, आप इस स्कूल में रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत पढ़ाई कर सकते हैं. और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस एक एंट्रेंस एग्जाम पे बेस्ड है जहां पे 75% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर रूरल एरियाज अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशंस गिविंग टू बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी कम्युनिटीज. तो 75% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं रूरल एरिया चिल्ड्रन के लिए. सो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता है. नवोदय विद्यालय समिति क्या है, नवोदय विद्यालय समिति रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स दीज स्कूल्स. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम है जो क्लास 6 टू 8 तक है, एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेसिस पे है और जो समिति है सोसाइटी से चलाती है उसका नाम है नवोदय विद्यालय सोसाइटी समिति. सो ये तीन एस्पेक्ट्स आपको इस स्कीम के अंदर याद रखने हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाम में दिया गया है कि ये आपको सक्षम मतलब केपेबल बनाने से रिलेटेड है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. सो ये स्कीम लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2014 एंड 15 एंड इट एम्स एट इंकरेजिंग इकोनॉमिकली वीकर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, मतलब जो इकोनॉमिकली भी वीकर हैं और डिफरेंटली एबल हैं मतलब उनको कुछ डिसेबिलिटी भी है, उनको प्रमोट करने के लिए कि आप टेक्निकल एजुकेशन सीखें इन और उसमें डिप्लोमा या फिर डिग्री ले सकें. सो इसके लिए ये स्कीम आई थी और इसके अंदर एक स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि है 30,000 रुपीज फॉर रीइंबर्समेंट फॉर ट्यूशन फी, पहला एलिमेंट हो गया. एंड सेकंड एक 20,000 का कंटिजेंसी अलाउंस भी दिया जाएगा. और ये कितने स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ये 1,000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा पर एनम. सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इकोनॉमिकली वीकर एज वेल एज डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए है ये स्कीम. स्कॉलरशिप का अमाउंट याद करना है हमें, डेट इज 30,000 रुपीज एज वेल एज कंटिजेंसी फंड जो है वो है 20,000 और कितने लोगों के लिए है 1,000 पीपल के लिए. तो ये दो तीन एस्पेक्ट्स आप इसमें याद कर सकते हैं. नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे स्वयं, ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ये आप बिल्कुल याद करना ना भूलें. सो स्वयं एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स. सो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो डिसएडवांटेजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है और उनको एक्सेस टू दीज कोर्सेज या फिर दीज स्टडीज नहीं है. सो इस एम से ये कोर्स आया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और स्पेशली डिसएडवांटेजियस लोगों तक पहुँचे. और इसका टारगेट क्या है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं करी हैं या अपनी वो नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं या जिनके पास लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस को नहीं अफोर्ड कर पाते, वो घर बैठे ऑनलाइन इस कोर्स से अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाए. इसके वर्क प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं. दिस इज डन थ्रू एन इंडिजिनस डेवलप आईटी प्लेटफॉर्म्स, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जहां पे 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा जिनको आप किसी टाइम भी घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं. प्रोफेसर्स कौन से होंगे, प्रोफेसर्स बिल्कुल टॉप इंस्टीट्यूट्स के हैं, IITs, IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोफेसर्स हैं और ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डायरेक्टली स्वयं की वेबसाइट पर जाके इन कोर्सेज से पढ़ सकते हैं.
और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज सिखाना जरूरी नहीं है बल्कि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है। इसलिए हर एक कोर्स के बाद एक असेसमेंट भी रखा गया है जिसमें आपको मार्क्स एंड ग्रेड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ब्रीफ में देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड किए गए हैं। इसके अंदर जो कोर्सेज है वो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, टेक्नोलॉजी, लॉ, या आप कह सकते हैं कि एक आधा सारे ही कोर्सेज को कवर कर लिया गया है। और कुछ स्किल बेस्ड कोर्स भी हैं जैसे कि जो आप अपने हायर एजुकेशन के बाद सीख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्किल सर्टिफाइड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल। सो कुछ डोमेन्स में जैसे कि आप पॉलिटेक्निक्स या कुछ डिग्री बेस्ड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि अगर आप सेकेंडरी हायर स्कूल के बाद अगर कुछ स्किल्स लर्न करेंगे तो आप उनसे जॉब्स भी ले पाएंगे। तो ये भी स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट एम था स्कीम का। अनकवर्ड कोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कोर्सेज नहीं कवर्ड हैं। मेडिसिन, डेंटल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्सेज नहीं कवर्ड हैं। अब अगर मैं लॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करूँ तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आप इन कोर्सेज को, आप इन स्किल्स को नहीं लर्न कर पाएंगे। सो मे बी इस रीज़न की वजह से, क्योंकि इन्हें ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता इसलिए कोर्सेज नहीं कवर किए गए हैं। और कौन सी डेवलपिंग एजेंसी इस पे काम कर रही है वो है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो यहाँ पे आप तीन चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, कौन से कोर्सेज नहीं रन किए गए हैं एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं या फिर क्या क्या कोर्सेज इसमें कवर किए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज स्वयं प्रभा। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। यहाँ पे कुछ टेलीकास्ट किए जाएंगे चैनल्स जो कि आपको एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे और ये 24/7 बेसिस पे चलाए जाएंगे। अब ये कहाँ फोकस्ड होंगे, द चैनल्स वुड कवर हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि क्लास 11th एंड 12th में ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिपरेशंस करना शुरू कर देते हैं फॉर IITs, फॉर मेडिकल, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे CA हो गया, CS हो गया, ICWA हो गया, इन सारे कोर्सेज में आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो DTH चैनल्स हैं ये टेलीकास्ट करेंगे, आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताएंगे ताकि आप इनकी तैयारी घर बैठे कर सकें। द कंटेंट्स आर अगेन प्रोवाइडेड बाय टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, UGC, IGNOU, NCERT एक्सेट्रा। और इसके लिए अगेन जो इंस्टीट्यूट होगा जो इसका ध्यान रखेगा वो होगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था अगर आपको याद हो। सो ये इंस्टीट्यूट को सारी ऑटोनॉमी दी गई है विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ वेब पोर्टल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनफ्लिप नेट इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये एक ऐसा बॉडी है या आप कह लीजिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विद रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द वेब पोर्टल। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इट वाइडन्स द स्कोप ऑफ स्वयं जो हमने अभी पढ़ा है, एन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विच कवर्स टीचर्स ट्रेनिंग, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी स्कीम है जिसने स्वयं को इनलार्ज किया या फिर उसका कवरेज को बढ़ाया है। सो द नेम ऑफ द कोर्स इज स्वयं प्रभा और जो कि चैनल से रिलेटेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज उन्नत भारत अभियान। अब उन्नत का मतलब होता है उन्नति करना या फिर डेवलपमेंट करना। सो यहां पे इस स्कीम के नाम से ही आप स्कीम को याद कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इट इज लॉन्च टू प्रोवाइड रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन। सो जो भी रूरल एरियाज में जो भी डेवलपमेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन सारी चीजों को केटर किया जाएगा। किस ईयर में लॉन्च किया गया था, 2014 में। और ऑब्जेक्टिव क्या था, द मिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान इज टू इनेबल हायर एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू वर्क विद द पीपल ऑफ रूरल इंडिया। आप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं जो रिसर्च में इंक्लाइंड हैं वो उन एरियाज पे काम करें और वो आइडेंटिफाई कर सकें कि रूरल एरिया किन चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है ताकि आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एम है वो एम ये है कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से भरी हुई है, स्टिल आप अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो आपका एजुकेशन बेकार है, वैल्यूलेस है। सो इसीलिए आपका एम ये होना चाहिए कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों को बढ़ावा दे सकें। कौन से इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है, अगेन मैंने आपको बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs, NITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ
साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज आईसर, इन इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है इन प्रोफेशनल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट्स में जो भी फैकल्टी होती है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या कवरेज है। इट एम्स टू लिंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 5 villages। सो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप उनको इन टॉप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कर सकें ताकि वो सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम्स को चला सकें। वर्क प्रोसेस के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, ईच सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट वुड अडॉप्ट अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पंचायत एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड द आउटरीच ओवर अ पीरियड। सो यहाँ पे एम क्या है कि जो भी एक सिलेक्ट इंस्टीट्यूट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें, सो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली जो है वो कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई करेगा, उनके पंचायत से डिस्कस करेगा और जो भी वहाँ पे चैलेंजेस है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही बेसिक टर्म्स मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी एक एजेंसी है जो इसे कोऑर्डिनेट कर दिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। सो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली हैज बीन डेजिग्नेटेड टू फंक्शन एज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर दिस प्रोग्राम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारी ऐसी आईआईटीज हैं जिनको कोई ना कोई एक स्कीम की कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाया गया है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए पेपर पे और उसे अपने क्लास में या जहां भी पढ़ते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं, स्टडी टेबल के पास उसे चिपका लीजिए ताकि आप रेगुलर उसे देखते रहें। इस तरीके से आप बहुत आसानी से चीज़ों को ग्राब कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज उन्नत भारत अभियान 2.0। दैट इज, इट इज़ अ सेकेंड फेज या फिर सेकेंड वर्जन है उन्नत भारत अभियान का ही। द सेकेंड एडिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर अप्रैल 2018। सो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट था वो 2014 में लॉन्च हुआ था और जो सेकेंड है वो 2018 में लॉन्च हुआ है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये फैक्चुअल डेटा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एमिनेंस स्कीम क्या थी कि आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स को एज एन एमिनेंस का स्टेटस दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया, जिनका मतलब ये था कि ये इंस्टीट्यूट्स वो होंगे जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर आ सकें। तो जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कम है और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स 500 में नहीं आते हैं। सो यहाँ पर हमारा एम ये है कि हम इनको प्रॉपर फ्रीडम दें विद रिस्पेक्ट टू देयर करिकुलम, विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग ऑफ द फैकल्टी एज वेल एज फी स्ट्रक्चर, ताकि ये ग्लोबल लेवल पे अपने रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू कंपीट कर सके और टॉप 5 वर्ल्ड रैंकिंग्स में आ सके। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया है, जहां पे बेसिकली अभी तक उन्होंने 6 इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया है जिसमें से 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और 3 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इन इंस्टीट्यूशंस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द बिलो मेंशन इंस्टीट्यूट्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। सो 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और 3 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स याद कर लीजिए। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, IISc बैंगलोर बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। सो ये 3 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट शंस ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया गया है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जियो इंस्टीट्यूट जो कि रिलायंस फाउंडेशन का है, दो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है बट इसे भी एमिनेंस का स्टेटस दे दिया गया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड इंस्टीट्यूट है और तीसरा मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका। ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिनको भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया गया है। इन सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स दिए जाएंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन पर फोकस कर सके। क्या फंडिंग प्रोवाइड की गई है, ₹1000 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा ओनली टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट मिलेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट नहीं मिलेगी। अब अगर ऑटोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी विद रिगार्ड टू एडमिट फॉरेन स्टूडेंट्स अप टू 30%, रिक्रूट फॉरेन फैकल्टी 25%, टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज 20%, टू इंटर इंटू अकेडमिक कोलैबोरेशन विद टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के नाम याद होने चाहिए कि कौन से 6 इंस्टीट्यूट्स अभी तक सिलेक्ट किए जा चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, राष्ट्रीय उच्चता शिक्षा अभियान दूसरा।
तो यहां पे अगेन वर्ड जो है उच्चतर वो ये बता रहा है कि यहां पे हायर एजुकेशन के बारे में आप कह सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी, हायर एजुकेशन लेवल डेट इज क्लास 11th एंड 12th को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने या फिर कह सकते हैं कि उनका इनरोलमेंट बढ़ाने से रिलेटेड स्कीम है, देखते हैं इसके बारे में। रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू इनहांस इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाई 30%। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपसे ये परसेंटेज फैक्चुअल फॉर्म में पूछा जा सके। आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के पूछें देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं टारगेट से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से कि 30% टारगेट है स्कीम का कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा सकें इन हायर एजुकेशन। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2013। और ऑब्जेक्टिव देखते हैं, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रेज द बार ऑफ कैंपस लाइफ। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ जूसा आर टू इम्प्रूव एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू प्लान डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एट स्टेट लेवल। मतलब ये जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सेसिबिलिटी, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिले, इक्विटी, सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएँ, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि तीन एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, डेट इज़ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। और यहाँ पे ये कोशिश हो रही है कि हायर एजुकेशन में जो भी फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनको स्ट्रैटेजिक वे में यूज़ करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्हांस कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एम था इनका। टारगेट्स क्या हैं, टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ फंडिंग, द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। सो एक प्रॉपर चैनल फॉलो होगा फंडिंग का, जहां पे सेंट्रल मिनिस्ट्री से आप स्टेट पे जाएंगे और स्टेट से स्टेट एजुकेशन काउंसिल्स को मिलेगा एंड देन वो इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचेगा जो इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब ये दो फेजेस में होगा ये, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको बिकॉज इतनी डिटेल्स में स्कीम नहीं पूछी जाती, बट एक बार आप रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भुवन दूसा पोर्टल, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दैट इज NRSC ऑफ इसरो हैज डेवलप्ड अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर अपलोडिंग जियोटैग फोटोग्राफ्स एंड एसोसिएटेड डिटेल्स कैप्चर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन दिस पोर्टल एज पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूसा। अब यहाँ पे जो भुवन है इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है इसरो की मदद से, जहाँ पे आप ऊपर से टैप कर सकते हैं कि किस तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस किए गए हैं विद रिगार्ड टू दिस, क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, क्या प्रॉपर ऊपर से आप देख के ये देख पाएंगे कि क्या प्रॉपर नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने क्लेम किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स द्वारा उतने इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स हैं भी या नहीं। सो ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है चीज़ों को मॉनिटर करने का। नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। सो यहाँ पे ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब पैसे से रिलेटेड, तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन कुछ फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम होगी। आइए देखते हैं इसके बारे में। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अ फुल्ली IT बेस्ड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर स्कॉलरशिप एज वेल एज एजुकेशनल लोन स्कीम। अब जैसे जैसे पढ़ाई धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, स्कॉलरशिप या लोन यही दो तरीके रह गए हैं स्टूडेंट्स के पास जिससे वो अच्छी एजुकेशन ले सकें बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है एजुकेशन सेक्टर। सो यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल के जरिए आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्ड टू, आपको पता करना है कि एजुकेशनल लोन के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती हैं, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल लोन एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सो इस वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपरली इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चीज़ें देनी हैं और क्या अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप यहाँ पे बिना किसी लाइन में लगे, बिना धक्का खाए इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपिंग सपोर्टर के बारे में बात करें, दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। सो ये तीनों चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन से डेवलपर्स थे, डेवलपिंग सपोर्टर्स थे इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड बीइंग मेंटेन्ड बाय NSDL e-governance infrastructure limited. NSDL का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, National Securities Depository Limited। ये एक डिपॉजिटरीज भी है जिसके बारे में हमने फाइनेंस में पढ़ा था। सो ये इसे मेंटेन करेगी, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं।
आगे चलते हैं NSDL e-governance, थोड़ा सा NSDL के बारे में समझ लेते हैं। NSDL e-governance infrastructure limited was set up in the year 1995 as a depository, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। It works closely with various government agencies for designing and maintaining e-governance projects. So जो भी इससे related reports and projects बनानी होती हैं, ये NSDL को ही काम दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज अर्पित इनिशिएटिव। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम है फॉर द टीचर्स, ताकि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को एनहांस कर सकें। और अभी ये इनिशिएटिव चल भी रहा है गवर्नमेंट का, जिसमें जो रिसोर्स सेंटर है या जो मेजर जिसको सेंटर बनाया गया है, दैट इज SRCC फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ताकि इसमें 4000 से ज़्यादा टीचर्स अपने आप को रजिस्टर करके अपनी जो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स वो कर सकें। तो यहाँ पे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली को ये रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, दैट इज अर्पिट, इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग द MOOCs प्लेटफॉर्म स्वयं। सो कहीं ना कहीं ये जो मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसी के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पे एम ये है कि हम टीचर्स को रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जैसे जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं एज अ लेक्चरर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी धीरे धीरे स्किल जो है वो डिफंक्ट होने लगती हैं। सो अगर आपको रेगुलरली मेंटेन करना है, रेगुलर अपडेटेड रहना है चीज़ों से, तो ये ज़रूरी है कि आपके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहें। सो अर्पित ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं स्वयं के बारे में। हम ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो बहुत सारे स्वयं के थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, बोथ फॉर स्कूल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन। इसके अंदर प्रॉपर रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा, जैसे NRC के बारे में मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि कॉमर्स के लिए SRCC को नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। और ये क्या काम करता है कि ये मिक्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जो प्रॉपर स्टूडियोज बनाता है, या आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहां पे सारा का सारा करिकुलम एज वेल एज टेस्ट एंड असेसमेंट्स बनाए जाएंगे। जो फोकस्ड एरिया है वो उसका है कुछ डिसिप्लिन्स पे, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स पे, पेडागॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की जाएगी, किस तरीके से चीज़ों को सिखाना है, एज वेल एज मेथोडोलॉजी से रिलेटेड भी बातचीत की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम, जो कि हमारी स्कीम नंबर 29, लीप इनिशिएटिव। अब लीप का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम। सो लीडरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम है ये, जहां पे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको एज अ लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो ऑब्जेक्टिव इज मेनली टू ट्रेन एकेडमिक हेड्स हु आर लाइकली टू अज्यूम लीडरशिप रोल्स इन फ्यूचर। सो जैसे कि आप देखते हैं कि एक कॉलेज या फिर एक इंस्टीट्यूट में भी एक पर्सन होता है जो एक लीडरशिप रोल अज्यूम करता है, जो कि जनरली आप कह सकते हैं कि आपका HOD होता है या फिर डीन होता है या फिर कई इंस्टीट्यूट्स में प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। सो सिंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो बहुत नए नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, उसके लिए लोगों को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि जब एक प्रोफेसर रिटायर होता है या एक HOD रिटायर होता है, तो आपके पास ऑलरेडी एक स्किलफुल लॉट अवेलेबल है जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं एज अ लीडर। सो इस एम से लीडरशिप फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया है। फोकस क्या है इसका? इट्स फोकस ग्रुप इज सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज इन पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन ऑर्डर टू रिप्लेस आफ्टर रिटायरमेंट द टॉप नॉच पीपल, दैट इज HOD डीन वगैरह के लिए है। एरियाज क्या है? इट वुड इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेनिंग इन मैनेजरियल स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंडलिंग स्ट्रेस, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। कौन कौन से इंप्लीमेंटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं? द इम्प्लीमेंटेशन विल बी थ्रू टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज एंड टॉप 100 ग्लोबल रैंक फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इनके प्रोफेसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करें, दैट इज इम्प्रेस। फुल फॉर्म क्या है? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे जो इसका फोकस है वो पॉलिसी रिसर्च पे है। तो जैसे कि अभी हमने काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में बात करी, वहाँ पे हम साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, बट इस स्कीम का स्पेसिफिकली फोकस पॉलिसी रिसर्च के ऊपर है, जहाँ पे आप पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी गाइडलाइंस के ऊपर काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी, आइडेंटिफाई एंड फंड रिसर्च प्रोग्राम्स
in social sciences with maximum impact on governance and society. Matlab better governance. Governance ka matlab hota hai how the things are governed ya fir managed. So jo bhi governance related policy hai ki kaise hum better governance, good governance ki taraf badh sakte hain jiske andar bilkul corruption na ho, sare stakeholders ka satisfaction dhyan mein rakha jaye, usse related research pe focus karenge. Under this 1500 research projects will be funded for 2 years. 2 saal ke andar 1500 research projects pe dhyan diya jayega. Aur implementing and monitoring agency kaun si hai? It is ICCSR, that is Indian Council of Social Sciences Research. So isko ye task diya gaya hai is scheme ko monitor and implementation karne mein. क्या क्या डोमेन्स हैं, कुछ एरियाज कवर्ड हैं वो क्लियरली यहाँ पे दिए हुए हैं. ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए, कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ये पता होना चाहिए, और कितने साल के लिए है ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है. चलते हैं लास्ट स्कीम की तरफ जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम का एंड है और पार्ट 3 ऑफ आर वीडियो का भी लास्ट स्कीम है. सो आई होप कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये फुल फॉर्म है स्पार्क का. सो कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछ ले जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन फुल फॉर्म्स को भी अच्छी तरीके से याद करें. अब इसका पर्पस क्या है? इट वॉज रिसेंटली लॉन्च विद द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सारे स्कीम्स के थ्रू ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है रिसर्च की तरफ. और आप सब भी नेट क्वालिफाई या जीआरएफ क्वालिफाई करके आपका भी एम होगा कि आप रिसर्च में जाएं. तो यस, ये सारी स्कीम्स आपके लिए वैसे भी एक अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये सारी स्कीम्स आपके लिए बनाई गई हैं, जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके, इन स्कीम्स को यूज़ करके अपनी रिसर्च को भी बढ़ा सकते हैं एंड साथ साथ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं इकोनॉमी के अंदर. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स एट इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बाई फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि इन सारी स्कीम्स का जो एम है वो कोलैबोरेशन है, ताकि जो फॉरेन में इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ की जो फैकल्टी हैं उनकी एक्सपीरियंस एंड स्किल्स से हम चीज़ों को सीख सकें एंड अपनी रिसर्च को इम्प्रूव कर सकें. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार. द क्वालिटी बेंचमार्क फॉर स्पार्क इज दैट ओनली सच इंडियन इंस्टीट्यूट्स कैन अप्लाई विच आर इन टॉप NIRF रैंकिंग और टॉप 100 NIRF सब्जेक्ट रैंकिंग. तो हमने ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो हर साल इशू करता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस की रैंकिंग, उसकी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है. अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अनुज जिंदल UGC NET पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी रैंकिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए. फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज द बेंचमार्क इज आइदर टॉप 500 ऑफ QS रैंकिंग और टॉप 200 ऑफ QS सब्जेक्ट रैंकिंग. सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आप इसमें अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करा के कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स को ही दिया जाएगा. कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि काफ़ी सारे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होगा इस प्रोग्राम के लिए वो होगा IIT खड़गपुर. सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्क, कौन सी इंस्टीट्यूट्स को चुना गया है थ्रू NIRF रैंकिंग और QS रैंकिंग के थ्रू, एंड कौन सा कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि जो हमने आज 8-10 स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करी हैं इन पार्ट 3 ऑफ आर वीडियो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर योर UGC नेट एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली फॉर योर हायर एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स टॉपिक. आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे.